साहब शहर में नहीं होती सफाई। जी हाँ, यूपी के जनपद कासगंज के शहर कासगंज में गंदगी के अंबार बने रिहायशी इलाके जो नगर पालिका की नाकामयाबी की दास्ता कर रहे हैं। जगह जगह लगे गंदगी और नालियों से निकल घरों में घुसता पानी जो नगर पालिका सीमा में होते हुए भी नज़रअंदाज किए जाते हैं, जबकि शहर की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा वहाँ रहता है। बार बार शिकायतों के बाद भी किसी जिम्मेदार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ऐसी ही कहानी अपनी जुबानी कहते हैं इस गंगेश्वर कॉलोनी और लौकुश नगर की वासे, जहाँ एक और गंगेश्वर कॉलोनी में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे बिंगी वाली बाबा की समाधि पास इसका जीता जागता उदाहरण मिल जाएगा, जहाँ कुत्ते सुअर और अन्य आवारा जानवर देखने को मिल जाएंगे। कुछ समय इसी जगह एक छोटी बच्ची को सुअरों द्वारा गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया था। इतना ही नहीं, जनपद में कई इलाके ऐसी ही स्थिति में मिल जाएंगे जहां के लोगों को शिकायतों के बाद भी कोई राहत नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि नगर पालिका कर्मी खुद इधर उधर से गंदगी इकट्ठी कर यहाँ डालते हैं, जिससे हवा दूषित रहती है, जिससे वहाँ के लोगों को इसका दंश झेलना पड़ता है और बुजुर्गों और अस्वस्थ मरीजों को वहाँ रहना असंभव है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम भूप सिंह एडवोकेट है। आप विद्यालय में आपका पद क्या है? मैं चेयरमैन हूँ विद्यालय का, संस्थापक। आप कहना है कि आप जिस विद्यालय में खड़े हैं इसके आप संस्थापक हैं। अच्छा सर, आपके दरवाजे पर ये पानी भरा हुआ है, गली में पानी भरा हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अरे सर, ये तो आए दिन की समस्या है। कई बार चेयरमैन साहब से कह चुके हैं, ओरल कहा है, रिटन में भी कहा दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ बरसों से ये प्रॉब्लम है। ये पानी जो है कॉलेज में काफ़ी अंदर तक चला जाता है। जो लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, गर्ल्स इंटर कॉलेज है, और जो बच्चियाँ पढ़ने आती हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है, हमारे स्टाफ को तकलीफ़ होती है। अब प्रशासन वो सुनता ही नहीं, तो हम क्या करें? ऐसे में एक ही विकल्प हमारे पास बचता है कि हम अपने पैसे से इसको दुरुस्त कराएं, लेकिन काफ़ी पैसा लगेगा इसमें। जो हमारी भी COVID-19 के कारण आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है कि हम इसे दुरुस्त करा सकें अपने पैसे से। चेयरमैन साहब से कहने के बाद भी बार बार कहा है, चेयरमैन से कई बार कहा है, हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन स्थिति यथावत रहती है। चेयरमैन साहब एक ही बार यहाँ आए हैं? हाँ, चेयरमैन साहब आते ही नहीं, उनको कहाँ फुर्सत है, वो अपना व्यापार करते हैं और उन्हीं से उनको फुर्सत नहीं है, चेयरमैन ही से कहाँ फुर्सत है उनको, मतलब जनता से कोई ज़रूरत नहीं है।